वेलकम टू द चैनल ज्ञापन एकेडमी। यह वीडियो नॉन हिंदी का है, लेसन 13, जो कि ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इसमें देखिएगा, इसमें जो लेसन का नाम है दीदी की डायरी, इसमें डायरी के बारे में बताया है कि डायरी का महत्व क्या होता है और हम लोग जो डायरी लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें अपना डायरी लिखना कितना आसान है और कितना मुश्किल का काम है, ठीक है। और एक बात हमेशा आप याद रखिएगा, अगर आप भी अगर अपना डायरी लिख रहे हैं, यानी कि अपने जितने भी पर्सनल चीज़ें हैं या फिर जो भी, अपने डायरी लिखने का मतलब ये होता है कि जो भी आप डेली काम कर रहे हैं, ठीक है, उस डेली काम को उसमें नोट करना है, मैंने लिखना है। तो एक इससे फ़ायदा ये है कि आप कभी गलत करने को सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर आप सही से डायरी लिखेंगे तो वो गलत काम को भी उसमें मेंशन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। इससे शायद आप में कुछ सुधार हो सके, अगर आप थोड़ा बहुत बिगड़े हुए हैं तो समझ जाइए। यहाँ देखिए, दीदी की डायरी, इसमें एक लड़की है, संजू नाम है उसका, मतलब बहुत ही हंसमुख लड़की है, ठीक है। और उसे मतलब किताब रीडिंग का बड़ी शौक है, माने वो जो है किताब पढ़ना उसको बहुत अच्छा लगता है। वो उसको ना गिफ्ट में सभी लोग किताब ही देते हैं, मतलब इतना किताब दे दिए हैं कि उसका घर ही एक छोटा सा अलमीरा जो होता है किताब का घर बन गया, यानी कि किताब से पूरा घर भर गया है छोटा सा। यहाँ पर देखिए, किताब पढ़ने का शौक, बहुत ही हंसमुख लड़की है, और उपहार में लोग उसे किताब ही देते थे, यानी घर छोटा सा एक पुस्तकालय बन गया था, ठीक है। अब देखिए, एक दिन हुआ क्या कि संजू मतलब महात्मा गांधी का एक डायरी पढ़ रही थी, महात्मा गांधी था, जिस डायरी का नाम था सत्य के प्रयोग। ये जब डायरी पढ़ी तो इस डायरी को पढ़ने के बाद इसके अंदर भी जुनून जाया कि हम भी अपना एक डायरी लिखेंगे, ठीक है। तो अपने पापा से बोली, अपने मम्मी से बोली कि हमको भी एक डायरी लिखना है। पापा उसके खुश हुए कि चलो बेटा मेरी डायरी लिखेगी, ठीक है, बहुत खुशी की बात है। वो ला करके डायरी दे भी दिए खरीद करके, ठीक है। अब कन्फ्यूजन ये था संजू को कि डायरी लिखेंगे तो शुरू कहाँ से करें, ठीक है। कोई डायरी लिखा होगा उसको देखेंगे तब ना, ठीक है। ये प्रेरित हुई है महात्मा गांधी साहित्य एक पढ़ी है, ठीक है, महात्मा गांधी का एक साहित्य सत्य के प्रयोग, उससे प्रेरित हुई है। लेकिन शुरुआत तभी मतलब ये कर पाएगी जब कोई लिखा होगा कभी जिंदगी में डायरी, अब वो उसको कोऑपरेट करेगा तब ना ये शुरू कर पाएगी। तो एक बार इसको याद था कि इसकी दीदी भी एक डायरी लिखी थी, इसलिए इस लेसन का क्या नाम है, दीदी की डायरी। ये सब घटनाएं इनकी दीदी के डायरी में का ही है, ठीक है। वो दीदी से गई और दीदी से काफ़ी रिक्वेस्ट की, प्लीज़ दीदी एक बार अपना डायरी दे दो हमको, ठीक है, एक बार पढ़ लेंगे। थोड़ा सा दीदी हिचकिचाई, लेकिन खुशी हुआ कि चलो मेरी बहना भी डायरी लिखना चाहती है। याद रखिए, किसी का डायरी बहुत कम ही लोग देते हैं, क्योंकि उसमें सारा पर्सनल चीज़ ही, जो भी अगर गलत किए हैं, सही किए हैं, सब उसमें लिखा जाता है। इसलिए तो बोल रहे हैं आप भी डायरी लिखिए, ठीक है। यहाँ देखिए, जब दीदी यहाँ पे डायरी लिखने को दी, तो देखिए पहला दिन जब ये खोली पेज, ठीक है, तो उसमें क्या पढ़ी, 1 जनवरी की घटना दीदी लिखी हुई थी, ठीक है, 1997, माने 1 जनवरी है, नया साल होगा 97 का, ठीक है। 1 जनवरी की घटना, जब ये कॉलेज में 1 जनवरी को गई, ठीक है, तो वहाँ पे सामने ठक ठक की आवाज़ सुनाई दे रही थी, इस वजह से मतलब क्लास लग रहा था कि डिस्टर्ब चल रहा है, सामने ठक ठक की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इस दिन क्लास समझो तो वो बंद ही रहा, 1 जनवरी कुछ खास नहीं रहा डायरी में। 2 जनवरी को, जनवरी के 2nd दिन देखो क्या हुआ। देखो, सोचिए कि घर पे बैठे हैं, 2nd जनवरी है, उसकी दीदी का डायरी है, तो दीदी ही सब लिखी है, और ये कौन पढ़ रही है, संजू पढ़ रही है। संजू उसमें पढ़ रही है कि दीदी मेरी कहाँ गई है, 2 जनवरी को अपने दोस्त शीला के घर गई है, शीला स्नान घर में थी, तब तक कि इसकी दीदी जो थी बाहर बैठी हुई थी, और ऐसे ही किताब कोई देखी, तो देखी कि एक चुटकुला, मतलब उठाई तो उसमें चुटकुला लिखा हुआ था, चुटकुला बहुत ही मज़ेदार था, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब हंसी भी था, ठीक है, और ये पढ़ते पढ़ते ये भी हंसने लगी, बहुत ही मज़ेदार था। चुटकुला कुछ इस प्रकार से था कि कोई व्यक्ति आता है, ठीक है, और आता है वो भैंस खरीदने के लिए, ठीक है, और जब वो भैंस खरीदता है तो बोलता है कि भैंस तो तुम्हारी अंधी है, ठीक है, तो यहाँ पे उसके जो क्या बोलते हैं मालिक है, वो बोलते हैं कि तुमको इसके आँखों से काम है कि इसका दूध ले, मतलब दूध का ज़रूरत है, ठीक है। इसी टाइप का कुछ चुटकुला था, आप लोग देख लेंगे, क्योंकि चुटकुला कोई इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए, चुटकुले पढ़ी, और यहाँ पे देखिए 2 जनवरी की घटना है, जब चुटकुला पढ़ने के बाद से 2nd उसी पेज में था कि उसी समय 2 जनवरी को उनकी माँ बहुत ही बीमार थी, तो रात भर उनकी दीदी को, ठीक है, यानी संजू के दीदी को माँ के पास रहना पड़ा, और खाना भैया बनवाए। और आप लोग तो जानते हैं कि हम लोग जो भी हैं खाना बनाने में कितना एक्सपर्ट होते हैं, कभी रोटी जल जाएगा तो कभी सब्जी में नमक छूट जाएगा, कभी नमक ही ज़्यादा हो जाएगा, एक्सपीरियंस है लड़कों का थोड़ा सा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। यहाँ देखिए हुआ क्या कि जब उनकी माँ बीमार थी संजू की, रात भर उसकी दीदी क्या रही,
संजू की माँ के साथ रही और उसके बाद से और खाना भैया बनाए। जब खाना आया और जब संजू खाई तो उसमें नमक था ही नहीं, ठीक है। उसके भैया भी जब खाए तो अंदर अंदर समझ गए, लो हमने तो नमक डाला ही नहीं, ठीक है। तो वो उसकी मम्मी पूछी कि बाबू खाना ही कैसे बनाए हैं, तो संजू की दीदी बोली हाँ बहुत बढ़िया है। संजू की दीदी ये सोच रही थी कि अच्छा है कि नमक नहीं डालेंगे, डाल लेंगे तो अच्छा से खा सकते हैं। अगर नमक दो बार डाल दिए होते भूल से, ठीक है, तो ये किसी काम का नहीं रहता, ठीक है। और उस समय नमक वो डाले ही नहीं थे तो डाल करके टेस्टी हो गया। यहाँ देखिए उसके बाद से 3 जनवरी की घटना। अब एक बात आपको बता दें, आपको पता होना चाहिए कि जो इस साल बिता ना, अभी मान लीजिए कि 2022 है और इस साल में भी देखना 2 जनवरी तक सारे उद्यान कहीं भी पार्क वगैरह सब सरकार बंद किया था COVID-19 की वजह से, यानी कोरोना के वजह से, आपको पता होना चाहिए जो ओमिक्रोन था। और 3 जनवरी को सब उद्यान खोला, तो इससे ट्रिक से याद रखिएगा कि 3 जनवरी को खुला तो सारे लोग 3 जनवरी को ना पिकनिक, मतलब पिकनिक करने गए यानी घूमने के लिए गए पिकनिक पर, तो ये भी 3 जनवरी को ही गई है। आपका एग्जाम, आप तैयारी कर रहे हैं अभी, एग्जाम इसी साल है, तो इस साल की घटना से याद रखिए 3 जनवरी को ये पिकनिक करने, मतलब पिकनिक पर गए। और पिकनिक में खूब ये लोग, इनकी सिस्टर जो थी, किनकी, संजू की सिस्टर, खूब मस्ती किया, खूब डांस किया, लो नाचा, लो पूरा घुमा, लो रंग बिरंगे मछली देखा, लो पार्क गया, लो ठीक है बहुत सारा यहाँ पे घुमा, लो दोस्त लोग सहनाई बजाए, ठीक है। नीलू, विमला, अंजू और मंजू, ये सब जितने भी लोग हैं ये लोग भी काफ़ी मस्ती किया। मंजू एक लड़की थी जो क्लास में हमेशा शांत रहती थी, ठीक है, और ये बेचारी शांत रहती, लेकिन उस दिन ये खूब नाची, ठीक है। कोई कोई लड़की होती है जो क्लास में साइलेंट मूड में रहती है, मतलब एकदम। यहाँ देखिए अब 4 जनवरी की घटना है, यहाँ पे रविवार का दिन, संडे का दिन था। आपको पता होना चाहिए कि संडे को हम लोग फ्री रहते हैं तो बैठे रहते हैं एकदम, सुबह में एकदम फ्रेश होकर के चाय नाश्ता करके आ कुछ काम करते हैं या फिर कोई अच्छा इंटरेस्टिंग किताब मिल जाए तो पढ़ते हैं। संजू के दीदी ने भी वही काम किया, उनकी माँ ने चाय बनाया, चाय पी, नाश्ता किए फ्रेश होकर के, ठीक है। रविवार का दिन 4 जनवरी को रविवार था और उस दिन वो एक कहानी की किताब पढ़ी, तोतो चान का, ठीक है, जो एक जापानी लड़की थी, जापान की एक लड़की थी जो बहुत ही शरारती थी, उसके शरारत के वजह से उसको कई स्कूल बदले जा चुके थे, यानी कभी इस स्कूल में कभी उस स्कूल में, ठीक है। तो उस कहानी की पढ़ी, ये कहानी मतलब क्या बोलते हैं, संजू के दीदी को बहुत अच्छा लगा। ये डायरी कौन पढ़ रहा है, संजू पढ़ रही है कि उसकी दीदी कौन कौन सा काम किए। देखिएगा डेट वाइज हर एक दिन का लिखना पड़ता है कि आप क्या किए हैं, किसके साथ घूमे हैं, ठीक है, टोटल बात लिखना पड़ता है डायरी में। 5 जनवरी को बेचारी पूरा दिन उनकी दीदी उदास रही, ये उस डायरी में लिखा गया था। आखिर घटना क्या थी, तो देखिए 5 जनवरी के दिन, ठीक है, यहाँ पे उनकी एक दोस्त मिली, उनके दीदी के यानी कि संजू के दीदी के दोस्त मिली, वो आ करके मतलब संजू के दीदी के गले लग करके रोने लगी और वो बोली कि मतलब मेरे पेरेंट्स जो हैं, माता पिता, मेरी शादी तय कर दिए हैं, ठीक है, कल से मैं स्कूल नहीं आऊँगी। जब ये उदास थी ना, तो संजू की माँ कई बार पूछे कि तुम उदास क्यों हो, लेकिन ये बताना नहीं चाहती थी, क्या बताएं, कोई फ़ायदा नहीं है, बताए भी क्या कि संजू की मतलब इसकी क्या बोलते हैं, नीलू की शादी हो रही है, ठीक है, लेकिन नीलू शादी करना नहीं चाहती थी, वो पढ़ना चाहती थी, क्योंकि बोल रही थी संजू की दीदी कि आखिर मेरे ही उम्र की है, ज़्यादा उम्र भी नहीं हुआ और फिर भी लोग मतलब शादी कर रहे हैं। इसको लेकर के वो पूरा दिन 5 जनवरी को उदास रही। फिर अगले दिन सोची कि चलते हैं आगे मिलने के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए 6 जनवरी को लोग फिर स्कूल के लिए तैयार हो रही हैं, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 6 जनवरी के दिन जब ये स्कूल से तैयार होकर के बाहर निकली, तब तक रिक्शे वाले ने छींक दिया। अब जब रिक्शे वाले ने छींक दिया तो देहात में जो होता है ना, बहुत सारे लोग इस चीज़ को अपशगुन मानते हैं कि ये बहुत बेकार चीज़ है, अगर आप कहीं जा रहे हैं रास्ता में कोई टोक दे तो कहते हैं कि अपशगुन हो गया, मत जाओ, या फिर रास्ता में जा रहे हैं बिल्ली रास्ता काट दे, मतलब इस पार से उस पार चले जाए, तो लोग सोचते हैं कि बिल्ली रास्ता काटी तो कुछ अशुभ घटना घटने वाला है, ठीक है। बेचारी बिल्ली भी सोचती होगी कैसा मेरा जिंदगी है, अगर रास्ते से गुजर जाते हैं तो वहाँ से लोग रास्ता चेंज करके चले जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा उसको भी अजीब लगता होगा। तो हम लोगों के इंसानियत में ऐसा जबकि कुछ नहीं होता है, ये सब एक भ्रम है जो पुराने लोग हमारे दिमाग में डाल दिए हैं। देखिए यहाँ पे जब ये 6 जनवरी के दिन जैसे ही तैयार होकर के बाहर निकलने वाले थे, रिक्शा वाला छींक दिया, तो यहाँ पे जो संजू के सिस्टर की जो दादी है, यानी संजू की भी दादी ही लगेंगी, वो बोली कि
जो पहला छींक होता है, जैसे रास्ते में कोई स्टार्टिंग में आप जा रहे हैं कोई छींक दिया तो उसके बाद से उस काम पर नहीं जाना चाहिए, तुम उस दिन स्कूल मत जाओ। लेकिन होना कहा था कि 6 तारीख को यानी 6 जनवरी को, ठीक है, कक्षा में अभिनय था, अभिनय कोई कंपटीशन था, नाटक था, और उसमें सबसे मेन रोल ली थी कौन, मतलब संजू की दीदी। ये सोची कि चलो देखते हैं, लोग कह रहे हैं ना कि अब शगुन होता है किसी का पहला छींक, तो देखते हैं क्या होता है। अब बताइए ना, उसको छींक आए तो वो कहाँ छींकने जाएगा, पर्सनल कहीं स्पेशल उसके लिए जगह तो होगा नहीं, छींक एटेंडम एकाएक आ जाता है ना। तो ये सब गलत चीज़ है, ये सब अपशगुन, कोई चीज़ अपशगुन नहीं होता है, और कोई भी दिन अपशगुन नहीं होता है, हर दिन भगवान का है, गॉड का है, सब दिन अच्छा होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए प्रमुख पात्र थी तो बोली कि चलते हैं यार, गई कंपटीशन में भाग ली, और कंपटीशन में भाग ली तो पूरा इतना बढ़िया से वो एक्टिंग की और पूरे क्लास में पूरे स्कूल में तालियों की गूंज उठ पड़ी। उस दिन इसको पता चला कि नहीं, ये जो छींक होता है, ये जो पुराने ख्यालात लोगों ने हमारे अंदर डाल दिया है, ठीक है, ये गलत चीज़ है, यहाँ पे इनको गलत लग गया संजू की दीदी को। अब आते हैं 7 जनवरी, ठीक है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और ये बेचारी सोच रही थी कि यहाँ पे देखो सब लोग लड़कियों को ही क्यों डांटते हैं, 7 जनवरी के दिन कुछ अच्छा नहीं लगा, ऐसे ही बैठी हुई थी, सोचे सब लोग लड़कियों को ही प्रेशर देते हैं, आखिर क्यों। या एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, याद रखिए कि अपना जो समाज है ना, एक तरह से देखा जाए तो लोग मतलब इसको पुरुष प्रधान बना दिए हैं, हर चीज़ में पुरुष आगे, जबकि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। महिलाओं के लिए मतलब सब नियम लगता है और पुरुषों के लिए नहीं लगता है, तो इस हिसाब से भी ये गलत है। और हम लोग क्या करते हैं, देखना समाज में होता क्या है, औरतों पर ज़्यादा लोग प्रेशर बनाते हैं कि तुमको ये नहीं करना चाहिए, ये मत करो, ये उपवास रखो, जबकि ये गलत है। आप भी एक बार उपवास रख के देखिए, ठीक है, तब पता चलेगा। हमेशा से लोग क्या किए हैं, नारी को, स्त्री जाति को लोग दबाने की कोशिश किए। एनीवे, उम्मीद करते हैं कि ये आपको लेशन समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।